ग्वालियर में 6 दिनों से टेम्पो ऑटो रिक्शा चालकों की हड़ताल निरंतर जारी है। इस बीच अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ऑटो रिक्शा चालक संघ के सुभाष निगम और उमा शंकर चौरासिया की तबीयत अचानक खराब हो गई। प्रशासन के उदासीन रवैये के मद्देनजर टेम्पो ऑटो यूनियन के लोग आक्रोशित हो गए। उन्होंने धरना स्थल पर फूलबाग चौराहे के पास ऑटो रिक्शा लगाकर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन के लोग वहां पहुंचे और समझाइश देकर चक्का जाम खुलवाने का प्रयास किया। प्रशासन ने यह भी कहा कि जल्द ही अधिकारियों के साथ टेम्पो रिक्शा चालकों की एक बैठक आयोजित कराई जाएगी, जिसमें बैटरी रिक्शा को लेकर चल रहे विवाद का निराकरण करने की कोशिश की जाएगी। तो विक्रम टेम्पो ऑटो चालकों के द्वारा जो चक्का जाम के प्रयास किए गए हैं, हालांकि उनको समझाइश दी गई, अभी ये हटे हैं। अभी मेरी एडीएम साहब से भी बात हुई है, जिला प्रशासन अभी 12:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम पे एक मीटिंग कर रहा है, जिसमें इनके जो पदाधिकारी हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं इस आंदोलन का, उनको भी बुलाया गया है। तो वहाँ पर मीटिंग होगी और मीटिंग में जो भी सर्वसम्मति से निर्णय निकलना होगा और जिसके प्रस्ताव तैयार होंगे और जो समिति के समक्ष रखे जाएंगे, जो भी वहाँ पर निर्णय होगा कार्रवाई होगी। अभी क्या स्थिति है चक्का जाम की? अभी चूंकि इनके द्वारा शुरुआती प्रयास किए गए थे, आके मौके पर समझाया गया है और समझाइश पे अभी फिलहाल इन्होंने इनके द्वारा रास्ता खुला किया गया है। बाकी 12:30 बजे जो मीटिंग होगी उसमें निर्णय होगा। विशेष मांग नहीं है, लेकिन हम लोग काफ़ी दिनों से रिक्शा चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे किसी के कोई विरोध में हम लोग यहाँ बैठे या नहीं। आज हमारे साथ में जो हुआ है वो आपको मीडिया के द्वारा बताना चाहते हैं। जो कुछ गाड़ियों के साथ कांच भी फोड़े गए, मेरे साथ भी मारपीट हुई, मैं विकलांग होते हुए गोले के मंदिर से निकल रहा था, मेरी गाड़ी से सवारी उतार ली गई है। अब नकाबपोश थे, अब उसमें मैं आपको क्या बता दें। आप ऑटो से उतरे थे, 4-5 लड़के आए, बोले आप सवारी उतारिए, और एक चाटा भी मुझे मारा गया है। और गोले के मंदिर नारायण विहार का केस है जी, और उस दौरान मैं इधर से घूमते हुए आया, मुझे पता पड़ा है कि आज मेरे सारे जो ई रिक्शा चालक हैं सब एकत्रित हुए हैं और सातुत्ती मांगों को लेकर विगत 9 मई से जिला प्रशासन के सामने टेम्पो चालक ऑटो चालकों की समस्याओं को लेकर रखते रहे, लेकिन जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। 20 जून को भी हमने एक हड़ताल की थी, उसमें भी हमें 12 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया था, जिसमें 15 दिवस में उन समस्याओं के समाधान करने का वादा किया था, लिखित वादा किया था, लेकिन उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। 6 सितंबर को हमने कलेक्ट्रेट का घेराव किया था इन वाहन चालकों की मांगों को लेकर। कलेक्टर महोदय ने, एडीएम महोदय ने उस दिन हमको 15 तारीख से पहले समाधान करने का वादा किया था, लेकिन 15 तारीख निकली, कोई समाधान नहीं हुआ, इसलिए